नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण कार्ड खेलने वाले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब विकास सुबे एनकाउंटर मामले में भी सियासत करते हुए ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास सुबे एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण समाज में डर का माहौल है। बदमाश तो महज बदमाश होता है, लेकिन मायावती ने बदमाश विकास सुबे को जाति से जोड़ते हुए ट्वीट किया। बीएसपी का मानना है कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित व कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, इसलिए कानपुर पुलिस हत्याकांड के दुर्दांत विकास दुबे व उनके गुर्गे के जुर्म को लेकर उसके समाज में भय व आतंक की जो चर्चा गर्म है उसे दूर करना चाहिए। तो मायावती ने एक और ट्वीट किया और कहा, यूपी सरकार अब खासकर विकास दुबे कांड की आड़ में राजनीति नहीं बल्कि इस संबंध में जन विश्वास की बहाली हेतु मजबूत तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई करे तो बेहतर है। सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अब ब्राह्मण समाज भी यहां अपने आप को भयभीत, आतंकित व असुरक्षित महसूस करे। तो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए एक और ट्वीट किया और कहा, यूपी में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध अभियान की आड़ में छांट छांट कर दलित, पिछड़ा व मुस्लिम समाज के लोगों को निशाना बनाना ये भी काफी कुछ राजनीति से प्रेरित लगता है, जबकि सरकार को इन सब मामलों में पूरे तौर पर निष्पक्ष व ईमानदार होना चाहिए, तभी प्रदेश अपराध मुक्त होगा। तो दलित नेता के रूप में खुद की पहचान बनाने वाली मायावती ने योगी सरकार को नसीहत दी है कि वो राजनीति धर्म के आधार पर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई ना करे। आपको बता दें कि कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया था और यूपी एसटीएफ की गाड़ी विकास को लेकर कानपुर आ रही थी और इसी दौरान बारिश के बीच गाड़ी अचानक पलट गई और इस दौरान विकास दुबे ने मौका पाकर एसटीएफ के एक अधिकारी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और क्रॉस फायरिंग में मारा गया। बहरहाल, आपको क्या लगता है, मायावती का यह आरोप सही है कि योगी सरकार दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम को छांट छांट कर निशाना बना रही है? अपनी राय हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।